आज हम आए थे गौर के ऑफिस में, ये हमारा थर्ड चांस है गौर के ऑफिस में जो हम आए हैं। आज है 28 दिसंबर और आज का भी जो दिन है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल मैं कहूँ बकवास, क्योंकि आज हम आए तो हमें फिर वही चीज़ बोली गई जो आज से 4 महीने पहले बोली गई थी, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5वें महीने पहले बोली गई थी। हमने अगस्त में अपने फ्लैट की रजिस्ट्री कराई थी गौर में 16 पार्कों में। जब हमने रजिस्ट्री सब करा ली थी तो हमें बोला गया था कि 3 महीने बाद आपको रजिस्ट्री, 3 महीने का मतलब ये होता है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, आज नवंबर की जगह हो गया दिसंबर और अब हम दिसंबर में जब आए हैं तो इन्होंने बोला है कि जो आपको हैंडओवर मिलेगा वो हैंडओवर आपको मिलेगा मार्च में। एंड आई एम डेड श्योर कि जो मार्च की लोग बात कर रहे हैं ये भी एक झूठ है अपने आप में, क्योंकि मिलना मिलाना तो ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी लोग ऐसे ही बात कर देते हैं रफली। जब हम बात करते हैं कुछ एविडेंस बेस्ड कुछ राइटिंग बेस्ड तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। अभी हम गौर की कैंटीन में बैठे हैं, तो आप पीछे का पूरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, सब गौर की यहाँ कैंटीन है, वहाँ पे बैठे। अभी हमने अंदर के आरएम जो है उससे बात की कस्टमर केयर पे, तो उसने हमें बताया कि हम इस मैटर पे आपको कुछ भी राइटिंग में नहीं देंगे, ये वर्बली होता है हैंडओवर के लिए, तो आपको हमारे यहाँ से कुछ मिलेगा भी नहीं। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि हमारे यहाँ से, मतलब इनका जो गौर का जो ऑफिस है गाजियाबाद में, जगह का नाम क्या है इसका, अभयखंड, जो जगह का नाम है अभयखंड, यहाँ पर से कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। अब जो भी हैंडओवर का प्रोसेस होगा वो साइट से, और साइट वाले पिछले 3-4 महीने से या 5 महीने से छुट्टी बोल रहे हैं, तो कुछ फायदा है नहीं। तो साइट पर हम ऑलरेडी 2 बार हुआ है, वहाँ पर कभी कोई मिलता है कभी कोई नहीं मिलता है, वहाँ भी गोलीबाजी दे दी जाती है कि आपका हैंड ओवर अभी इतने महीने बाद होगा, इतने महीने बाद। अभी जो मेरी बात हुई है वहाँ पर एक पवन शर्मा नाम का बंदा है जो वहाँ का हेड बताते हैं, उससे मेरी बात हुई है, तो नाउ ही इज टेलिंग कि आपको मार्च तो लगेगा और हैंड ओवर जो होता है वो रजिस्ट्री के बाद कम से कम 6 महीने लेता है। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी कि अब ये नेक्स्ट मार्च तक का बता रही है हैंड ओवर होगा कि नहीं होगा, तो अगले ब्लॉग में हम आपको जरूर बताएंगे कि हमें हैंड ओवर मार्च तक हुआ कि नहीं हुआ। बाकी ओवरऑल जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है वो जीरो होता है, कस्टमर सर्विस जो होती है बिल्कुल जीरो होती है, कुछ नहीं होता यहाँ पे आके, केवल दिन खराब होता है, टाइम खराब होता है, आपको कम से कम 4-5 घंटे बैठाला जाता है और उसके बाद आप सर्विस मिलती है, वो भी ना कह के और कोई भी राइटिंग कम्युनिकेशन नहीं। तो ठीक है गाइस, आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और हम हमेशा आते हैं तो यहाँ की कैंटीन की पूड़ियाँ जरूर खाते हैं, और आप देखिए अभी भी हमारे सामने हमारे प्लेट्स में पूड़ियाँ लगी हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे हो ये पूड़ियाँ हैं और ये पराठे, मेरी वाइफ के लिए पराठे आए हैं और मैंने अपने लिए पूड़ियाँ मंगवाई हैं। तो गौर आने का जो मैं कहूँ जो मज़ा आता है तो बस यही है कि भाई खाना बाहर आप खा सकते हो, बस इतना ही मज़ा आया, इसके अलावा कुछ मज़ा नहीं है, पूरा दिन खराब, टाइम खराब, मूड खराब, सब कुछ खराब। ओके गाइस, मिलते हैं फिर अपने अगले ब्लॉग में और आपको फिर बताएंगे कि हमारा बजट हुआ कि नहीं हुआ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।